मुरादाबाद हाथरस की बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए वाल्मीकि समाज स्वाभिमान संघर्ष समिति ने जिला कलेक्टर पर किया जोरदार प्रदर्शन। हाथरस के डीएम को बर्खास्त कराने की मांग। आपको बता दें कि करीब 3 माह पूर्व हाथरस की बेटी के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या के प्रकरण में वाल्मीकि समाज स्वाभिमान संघर्ष समिति ने हाथरस की बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए सिविल लाइन के जिला कलेक्टर पर जोरदार प्रदर्शन करते हुए ज्ञापन डीएम को सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से समाज में मांग की गई कि हाथरस के डीएम को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त किया जाए। ज्ञापन के माध्यम से प्रदेश के राज्य पाल से मांग की गई कि 29 दिसंबर 2020 को बिटिया को शहीद हुए चतुर्थ मास शोक दिवस के अवसर पर मुरादाबाद जिलाधिकारी के माध्यम से पुनः ज्ञापन भेजकर जिलाधिकारी हाथरस को तत्काल संस्कारी सेवाओं से बर्खास्त करने की मांग उठाई। अगर 15 दिन के अंदर जिलाधिकारी हाथरस को उनकी सेवाओं से बर्खास्त नहीं किया जाता तो प्रदेश का वाल्मीकि समाज स्वच्छकार कामगार तथा सफाई मजदूर प्रदेश व्यापी आंदोलन के लिए बाध्य होगा, जिसके अंतर्गत धरना प्रदर्शन, क्रमिक अनशन, आमरण अनशन तथा अनिश्चितकालीन सफाई कार्य ठप कर देने जैसे लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन किए जाने के लिए बाध्य होंगे, जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी प्रदेश सरकार की होगी। ज्ञापन देने वालों में रजनीश चौधरी, संजीव वाल्मीकि, विजय वीर, संजय वाल्मीकि, रंजीत सिंह काका, रोहित वाल्मीकि, राहुल सेवक, रवि दरबेड़ आदि वाल्मीकि समाज के लोग मौजूद थे। आज हाथरस की गुड़िया को मृत्यु हुए 3 महीने हो चुके हैं और हर महीने हम लोग पूरे प्रदेश के अंदर गुड़िया को न्याय दिलाने के लिए जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। आज 3रा महीना है। इसी क्रम में प्रदेश आह्वान पर सभी जिलों के मुख्यालयों पर जिलाधिकारी महोदयों के माध्यम से प्रदेश के राज्यपाल जी को हम ज्ञापन सौंप रहे हैं। हमारी एक सूत्रीय मांग है, हम सबसे पहले देश की सर्वोच्च जो जांच एजेंसी है CBI, हम उसका धन्यवाद करना चाहते हैं, जिन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश के शासन प्रशासन लगा हुआ था उस कांड को बिल्कुल दबाने के लिए CBI ने उन चारों को दोषी ठहराया है। वाल्मीकि समाज उत्तर प्रदेश का CBI का धन्यवाद करता है। लेकिन CBI ने भी एक सवाल छोड़ दिया, वो सवाल ये है कि उन दोषियों को तो फांसी या जो भी सजा उन्होंने चार्जशीट दाखिल की है कोर्ट के अंदर, लेकिन दोषी करार दिया है CBI ने, लेकिन वहाँ का जो जिलाधिकारी, वहाँ के जो प्रशासन, प्रदेश के शासक प्रशासक के खिलाफ में CBI ने अभी तक कोई भी चार्जशीट दाखिल नहीं की है। हम राज्यपाल जी से मांग करते हैं कि वो CBI को संज्ञान में लें। कोर्ट से भी हम मांग करते हैं आपके माध्यम से, इसलिए हम CBI को भी लगातार ज्ञापन भेज रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री को भी और राज्यपाल जी को। आज ये अंतिम पड़ाव का ये DM साहब को ज्ञापन ले को दिए जा रहे हैं DM की बर्खास्ती को लेकर, और 17 तारीख को आगरा के अंदर पूरे भारत के वाल्मीकि समाज की पंचायत आयोजित की जा रही है। अगर DM हाथरस को और ADJL प्रशांत कुमार को और जो उस प्रकरण को नकार रहे थे के लड़की के साथ में रेप नहीं हुआ है, गैंग रेप नहीं हुआ है, लड़की के साथ में कोई घटना नहीं हुई, कोई मारपीट नहीं हुई, तो हम उनसे सवाल पूछते हैं कि चराई के खेत के अंदर अगर दोषियों ने उसके रेप नहीं किया, रीढ़ की हड्डी नहीं तोड़ी, तो क्या चराई के खेत में ट्रक आकर एक्सीडेंट कर गया था? पूरी मीडिया को झुटलाने का प्रयास किया था, पूरे देश को गुमराह करने का काम किया था, ऐसे लोगों के खिलाफ भी CBI को चार्जशीट दाखिल की जानी है। आज का हमारा मुख्य मुद्दा ये है, अगर हमारी बात को नहीं माना और 17 तारीख तक अगर DM हाथरस को बर्खास्त करके दोषी नहीं बनाया गया तो पूरे प्रदेश सहित पूरे भारत के अंदर वाल्मीकि समाज आंदोलन प्रदर्शन को बाध्य होगा, जिसकी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी।